मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं, जिसे हर सनातनी को एक बार पढ़ना और समझना जरूर चाहिए। मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो बोलते हैं मैं महाभारत हो, रामायण हो, ऋग्वेद हो, टाइम नहीं मिलता, पढ़ नहीं पाता। ये उन लोगों के लिए विशेष है जिन्हें समय नहीं है, ऑफिस जाना है, बहुत सारे कार्य करने हैं। यदि आप महाभारत को पढ़ने में समय नहीं दे सकते हैं, तो भी सिर्फ ये 9 सार अगर सुन के समझ लें और अपने जीवन में उतारें, तो यकीन मानिए ये पूरा महाभारत ही है। वो 9 सार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, कभी भी संतान की गलत मांग पर समय रहते अगर आपने अंकुश नहीं लगाया, तो अंत में आप अपने आप को असहाय पाएंगे। ये उदाहरण कौरवों का। आप भले ही कितने बलवान हो, लेकिन अधर्म के साथ हो तो आपकी विद्या, अस्त्र, शस्त्र, शक्ति, यहां तक कि उच्च स्तरीय पद और वरदान भी निष्फल हो जाते हैं। ये कर्ण के संबंध में। संतान को इतना महत्वाकांक्षी मत बनने दीजिए कि विद्या का दुरुपयोग कर सर्वनाश को आमंत्रित करे। ये बातें अश्वस्थामा के लिए कही गई है। कभी किसी को ऐसा वचन मत दीजिए कि आपको अधर्मी के आगे आत्मसमर्पण करना पड़े। ये बातें भीष्म पितामह के संदर्भ में कही गई है। संपत्ति, शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग और दुराचारियों का साथ अंत में सर्वनाश का दर्शन कराता है। ये बातें दुर्योधन के लिए कही गई है। और अंधभक्त या अंध व्यक्ति, यानी मदिरा, अज्ञान और मोह के वश में जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता विनाश की ओर ले जाता है। धृतराष्ट्र के लिए कही गई है। यदि व्यक्ति के पास विद्या विवेक से बंधी हो, तो विजय कोई रोक नहीं सकता। ये बातें अर्जुन के लिए कही गई है। हर कार्य में छल कपट व प्रपंच रचकर आप हमेशा सफल नहीं हो सकते। ये मामा शकुनी के लिए कही गई है। यदि आप नीति, धर्म व कर्म का सफलतापूर्वक पालन करेंगे, तो यकीन मानिए विश्व की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। ये धर्मराज युधिष्ठिर के लिए कही गई। तो इस तरह से ये 9 सार आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, अन्यथा कभी भी आपके जीवन में महाभारत हो सकता है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।